ये जो माइंडसेट है स्टॉक के बारे में पहले मैं बोल देता हूँ, TCPL पैकेजिंग एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी और जबरदस्त कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है फोल्डिंग कार्टन्स का। और आप देखिए सबसे बढ़िया बात है, लार्जेस्ट स्टैंडअलोन कन्वर्टर है पेपर बोर्ड का इंडिया के अंदर और पुरानी कंपनी है। सबसे बढ़िया बात है कि ये करीब 800 करोड़ से ऊपर का टॉप लाइन है और 1600 करीब एम्प्लॉइज है या फैमिली है, उन्होंने प्रमोट किया हुआ है और बिजनेस इंटरेस्ट उनके टेक्सटाइल्स टी और फार्मा और केमिकल्स इन सब में है। और जो बढ़िया बात यह है कि टोबैको पैकेजिंग, फोल्डिंग कार्टन, फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे चीज करती है और वन ऑफ द पायनियर्स ग्रेव्यूर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में है और ये स्टैंडअलोन पैकेजिंग कंपनी है इस टेक्नोलॉजी की इंडिया के अंदर। और TCPL फिलिप मॉरिस मतलब जो मार्लबोरो सिगरेट हम देखते हैं, बैट अप्रूव्ड सप्लायर, बैट मतलब ITC से रिलेटेड कंपनी हो गई और ये एकमात्र कंपनी इंडिया की पैकेजिंग कंपनी जो की 4 ऑफसेट प्लांट्स 4 डिफरेंट लोकेशन में चलाती है। तो ये तो गए क्रेडेंशियल्स कंपनी के। फिर मैं फंडामेंटल्स देख रहा था तो देवर वेरी वेरी इंप्रेसिव, 14-15 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या अगर 18-19% के लगभग है, सेल्स 10-11% से बढ़ रही है और डिविडेंड डील्ड 1.39% के लगभग है, तो 0.25% का डिविडेंड डील्ड अच्छा है। क्वार्टरली रिजल्ट जबरदस्त दे रहे हैं, आप देखिए कि कंटिन्यूअसली पिछले 3 क्वार्टर से बढ़िया करे, डबल डिजिट 10-10 करोड़, 13 करोड़ कमा रहे हैं। जून का क्वार्टर लाजमी था, खराब था लास्ट ईयर का। और मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो सबसे बढ़िया बात और सबसे इंप्रेसिव बात मुझे जो लगी उसमें यह है कि जो FIIs है, DIIs का छोटा मोटा 0.32 है बट DIIs ने इसमें कंटिन्यूअसली अपना बढ़ाया हुआ है और 8% करीब DSP कोर फंड के पास 5.5% के लगभग का स्टेक है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ नामचीने इन्वेस्टर्स है जो कि कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे और उनके पास भी करीब 12-13% इस टाइप से स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो वहां पे मिसेस संगीता जिंदाल एंड मिस्टर सज्जन जिंदाल का जब मैंने नाम देखा तो मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया स्टॉक में। सो मैं बोलता हूँ कि ये स्टॉक को बिल्कुल यहां से लेना चाहिए और ये 710 का पहले हाइज बनाया हुआ है 2018 वाली जो तेजी है और अभी भी वहां से काफी नीचे चल रहा है, तो मेरे हिसाब से 650 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को लेना चाहिए।